हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी रेगुलरली चल रही होगी, रेगुलर बेसिस पे। आई होप आप सब इस सब में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर कब होना है या कब नहीं। ठीक है, चलिए। तो सिखिज्म हम पढ़ रहे हैं अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका PCS में। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम सिखिज्म। एंड ओवरऑल पंजाब की जब हम बात करते हैं एज अ स्टेट, पंजाब, चाहे पंजाब की ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, वेरियस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जब भी हम किसी एक स्टेट की बात करते हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन टोटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है पंजाब से रिलेटेड आएंगे और ये आपको यहाँ पर स्कोर करना है। अच्छा, ठीक है, ईजीली आप स्कोर कर सकते हो, तो ध्यान से पढ़ते रहो। सारा आपको पंजाब हम कवर कराएंगे, यूट्यूब के ऊपर आपको सारे फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो कोई और आपके पास अब वो चीज़ है नहीं कि आप इस चीज़ को इग्नोर करो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं लेकिन आपके क्वेश्चंस इसमें से सारे सॉल्व हो जाएंगे, आई गारंटी। अगर आप ये पूरा कोर्स देखोगे यूट्यूब का जो हम पंजाब जीके का हमारा चल रहा है, तो आपका पंजाब जीके का कोई सवाल नहीं गलत होगा। इनफैक्ट मैं बीच बीच में आपको इसमें भी और चीज़ें बताता रहता हूँ साथ साथ, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा अगर आप देखो तो पिछले साल के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारा जो है सीरीज चल रही है, उसको भी देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा उसमें। चलिए, तो गुरु अर्जन देव जी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे पहले हमने गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ा, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गुरु अर्जन देव जी के रिगार्डिंग रहेगा। गुरु अर्जन देव जी, ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट मार्टिर गुरु। ठीक है, पहले शहीद गुरु इनको बोला जाता है सिखिज्म में, 10 गुरुओं में से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरु हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे हमको कवर करने हैं। ठीक है, चलिए। तो गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ईयर के ऊपर फोकस आपको रखना है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ जो है 1606 में हो गई थी, तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा बड़ी उम्र इनकी नहीं थी, और बड़ी उम्र ना होने का कारण ये था क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, जैसे बाकी जो सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव से पहले, वो नेचुरल डेथ उनकी हुई, पर गुरु अर्जन देव जी के ऊपर जो मुगल, देखिए अभी हम आगे चल के देखेंगे लेक्चर्स में कि मुगल ने इनको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फिर इनको टॉर्चर किया गया अल्टीमेटली, जो एक कारण बना इनकी डेथ का। तो काफ़ी जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, अराउंड 43 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो 5वें सिख गुरु थे ये, ऑर्डर तो आपको याद रखना ही रखना है 10 सिख गुरुज का। तो 5वें नंबर पे जो थे वो आपके गुरु अर्जन देव जी थे, और इनसे पहले कौन थे? गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी वॉज बेसिकली द फादर ऑफ गुरु अर्जन देव। अभी तक हमने बेसिकली देखा गुरु रामदास जी तक हमने देखा कि जो गुरुज को नॉमिनेट किया गया सक्सेसर, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो गुरु अंगद देव जी हो, चाहे वो गुरु अमरदास जी हो, इनमें से किसी भी गुरु ने अपने ब्लड यानी कि अपने किसी बेटे को नॉमिनेट नहीं किया था गुरु गद्दी के लिए। ठीक है, तीनों ने आउटसाइडर्स को ही नॉमिनेट किया, पर गुरु रामदास जी ने अपने खुद के बेटे को गद्दी पर नॉमिनेट किया। पर एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है कि गुरु गद्दी के लिए नॉमिनेट करते हुए गुरु रामदास जी ने ये नहीं देखा कि उनका सबसे बड़ा बेटा कौन है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी जो थे वो तो यंगेस्ट थे, वो सबसे छोटे थे। 3 बेटे थे गुरु रामदास जी के, तो गुरु अर्जन देव जी सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था पृथ्वीचंद और जो बीच वाले बेटे थे महादेव। ठीक है, तो इन दोनों को ना गद्दी देते हुए जो डिजर्व करते थे गुरु अर्जन देव जी, उनको गद्दी दी गई। तो ऐसा कुछ नहीं था, कई बार ऐसा कई मिथ क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि गुरु रामदास जी जो है उन्होंने अपनी फैमिली में ही गुरु गद्दी को रखने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। डिजर्विंग जो थे, अब वो अगर उनके खुद के बेटे हैं डिजर्विंग, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुरु अर्जन देव जी के आपको भाइयों के नाम पता हो या गुरु रामदास जी के 3 बेटों के नाम पता हो, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद गुरु अंगद देव जी की शादी हुई माता गंगा जी से। अब माता गंगा जी जो थी वो भाई कृष्णचंद मऊ विलेज की ये सरपंच थे, उनकी बेटी थी। तो शादी के लिए गुरु अंगद देव जी जो है मऊ जा रहे थे। ठीक है, तो मऊ जाते जाते समय बीच में दोआबा बिलगा नाम की जगह आई। अब यहाँ पर जो आपके गुरु जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं, वो रुक गए।
रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर वो 2 दिन तक रहे, ठीक है। माऊ साहिब वो जा रहे थे शादी के लिए, तो 2 दिन तक वो दुआबा बिलगा में रहे। अब ये विलेज काफ़ी फेमस है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी हमने क्यों समझी, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कैसे। अब ये जो विलेज है, यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पे जाने से पहले, इस गांव से जब वो आगे बढ़े माऊ साहिब की तरफ, तो जाने से पहले उन्होंने स्नान करके जो अपने कपड़े थे वो यहीं पर छोड़ दिए लोगों के पास, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, गुरुद्वारा बिलगा साहिब, जहाँ पर गुरु अर्जन देव जी के ये कपड़े आज भी रखे गए हैं मेमोरी में, ठीक है। और हर साल गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी की जो मैरिज एनिवर्सरी होती है, उस समय इस गांव में एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। 3 दिन का वो मेला होता है, और तीसरे दिन लोगों को गुरु अर्जन देव जी के ये कपड़े जो हैं उसके दर्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो फेयर्स भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं कि रेलिवेंस क्या है, ठीक है। दूसरी रेलिवेंस आपके लिए अभी हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया, अगर आप ये क्वेश्चन देखो, अब गुरुद्वारा बिलगा साहिब मैंने आपको बता दिया, अब आपके अंदर कहीं से क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये गुरुद्वारा बिलगा साहिब काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है सिख रिलीजन के हिसाब से, 5th सिख गुरु के यहाँ पर कपड़े हैं, तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो सीधा सीधा सवाल ये पूछ लिया कि भैया गुरुद्वारा बिलगा साहिब जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अभी किसी में क्यूरियोसिटी जागी थी क्या कि हम ये पता करें कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने की कोशिश ज़रूर करनी है, डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है। और सिर्फ पंजाब सिविल सर्विसेज में, आप किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जाम उठा लो, राजस्थान का उठा लो, हिमाचल का उठा लो, यूपी का उठा लो, हरियाणा का उठा लो, हिस्टोरिकल प्लेसेस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जलंधर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आपका गुरुद्वारा बिलगा साहिब आपको मिलेगा। चलिए उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो गुरु अर्जन देव जी के समय में हुआ, वो था कंप्लीशन ऑफ हरमंदर साहिब, ठीक है, जो आपका जिसको आप गोल्डन टेंपल के नाम से भी जानते हो अमृतसर में, ठीक है। तो इस टेंपल की कंप्लीशन जो है, जिसकी फाउंडेशन गुरु अर्जन देव जी के फादर गुरु रामदास जी ने रखी थी, उस फाउंडेशन को ख़त्म करने का काम गुरु अर्जन देव जी ने किया। और गुरु अर्जन देव जी ने बहुत ही अपने सेकुलर ट्रेट्स दिखाए, जात पात या धर्म में मानने वाले लोग नहीं थे गुरु अर्जन देव जी, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब उन्होंने मियान मीर नाम के एक मुस्लिम सेंट को लाहौर से बुलाया ताकि फाउंडेशन रखी जा सके हरमिंदर मंदिर की, हरमिंदर साहिब की, जो आपका प्रेजेंट डे गोल्डन टेम्पल है। और उस समय गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि हरमंदिर साहिब की कॉर्नर स्टोर की फाउंडेशन किसने रखी, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक आंसर होगा आपका मियान मीर। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो, जो मैंने आपको बताया कि गुरु अर्जन देव जी थे, ही डिडंट बिलीव इन कास्ट, ठीक है, वो सबको एक समझते थे। तो चारों तरफ जो दरवाजे हैं, डोर्स ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल 4 कास्ट एंड एवरी रिलीजन। सारी जातियाँ, जो 4 जातियाँ थी हिंदू धर्म में, वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सिग्निफाई क्या कर रहा है कि इन चारों जातियों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इक्वल्स, हम सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इक्वल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आदि ग्रंथ, उस समय आदि ग्रंथ को कहा जाता था पोथी साहिब, जो अब आप जिसको जानते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से, ठीक है। तो जब इसको कंपाइल किया गया तो कुछ समय के लिए पोथी साहिब जी के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है, या आदि ग्रंथ जो उस समय में कहा जाता था, इसको कंपाइल किया, प्रिपेयर किया गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है। इस आदि ग्रंथ में, इस पोथी साहिब में गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी, ठीक है, और बाकी के जो आपके 2nd, 3rd और 4th गुरु की टीचिंग्स थी, उनको तो इंक्लूड किया ही गया। उसके अलावा और भी लोग थे जिनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, और भी चाहे वो भक्ति सेंट्स थे या वो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, उनकी टीचिंग्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे शेख फरीद, भगत कबीर, भगत रविदास, नामदेव, रमानंद, जयदेव त्रिलोचन, बेनी पीपा, सूरदास, इन सब
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, चाहे वो ऊंची हो चाहे वो नीची हो, हर जाति के लोगों में से जो भी अच्छी चीजें थी वो लाकर डाल दी गई। ठीक है, अब ये सब तो था, लेकिन अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को गो थ्रू करते हो तो आधी से ज्यादा यहाँ पर जो हिम्स है वो आपको मिलेंगी गुरु अर्जन देव जी की। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने का काम गुरु अर्जन देव जी ने किसको दिया था? भाई गुरदास को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, भाई गुरदास बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे लिए, हम इनको करेंगे एक बार। ठीक है, एक बार डिटेल में हम इनको देखेंगे। तो भाई गुरदास ने आदि ग्रंथ को कंप्लीट किया जैसे जैसे गुरु अर्जन देव जी ने उनको कहा। ओके, 1604 में ये कंप्लीट हो गई थी एंड अल्टीमेटली फिर इसको हरमिंदर साहिब में रख दिया गया 16 अगस्त 1604 को। और बाबा बुद्धा जी थे, मैंने आपको पहले भी बताया इनके बारे में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाबा बुद्धा जी के बारे में। ठीक है, जब हम गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ही वॉज द फर्स्ट ग्रंथी, पहले ग्रंथी बने। ठीक है, पहले ग्रंथी बने और पहले ज्ञानी जी भी बने ये आपके हरमिंदर साहिब के। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये ऐसे बाबा बुद्धा जी जो थे, इनकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने 5 सिख गुरुओं का तिलक किया, 2nd से लेकर के 6th तक। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद और भी लिटरेचर है जो गुरु अंगद अर्जन देव जी ने कंपाइल की। सबसे पहले आ जाती है आपकी सुखमनी साहिब, और सुखमनी साहिब को डिफाइन किया जाता है एज साम ऑफ पीस। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस, काफ़ी ज़्यादा पोइट्री आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सुखमनी साहिब वॉज कम्पोज बाय विच सिख गुरु। लिटरेचर का भी पार्ट हो गया ये, इसको ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नहीं, इट इज़ अबाउट लिटरेचर। वेदास की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिलीजन, अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट इज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लिटरेचर। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब जी और वी आर टॉकिंग अबाउट सुखमनी साहिब, इट कैन नॉट बी सीन ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन, इट हैज टू बी सीन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, गुरु जी फाउंडेड तरन तरन इन 1590। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ टैंक ओवर देयर, एक टैंक उन्होंने बनाया वहाँ पर। उसके अलावा इन्होंने करतारपुर नाम का एक टाउन बनाया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आपने कि करतारपुर तो सर आपने कहा था गुरु नानक देव जी ने बनाया, ठीक है मैंने कहा था, ये करतारपुर है न्यू करतारपुर, और ये प्रेजेंट डे इंडिया में है। वो वाला करतारपुर आपका पाकिस्तान में चला गया, ये प्रेजेंट डे इंडिया में है जलंधर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप न्यू टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं करतारपुर के साथ यहाँ पर। उसके अलावा उन्होंने एक विलेज को रीबिल्ड किया रुहेला। मैं जानना चाहूँगा अब आपसे कि ये रुहेला विलेज कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको, क्यूरियोसिटी जगाओ, थोड़ी सी सर्च करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडेंसी जो होती है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना या किसी भी एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहना, वो आपको कमज़ोर और लाचार बना देती है। ठीक है, तो खुद से आपको हमेशा जो है संघर्ष करते रहना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो नया विलेज रुहेला नाम का एक इन्होंने विलेज बनाया, ये रिवर ब्यास पे विलेज था, और इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, श्री हर गोबिंद पुर का नाम रख दिया, टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन, जो हर गोबिंद जी का जो जन्म हुआ था उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1595 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। उसके अलावा मसान सिस्टम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था? देखो ये सब लिंकेजेस बनाते चलो, अब जो पहले हो चुका उसके साथ लिंक करना चाहिए। मसंद सिस्टम सुनते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि मसंद सिस्टम हमने कहाँ देखा था पहले, या मंजी सिस्टम हमने कहाँ देखा था पहले। मंजी सिस्टम, मसंद सिस्टम दोनों सेम चीज़ें हैं, कहाँ देखा था, एकदम से बल्ब जलना चाहिए, रिविजन ऐसी होती है। ठीक है, तो मसंद सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। मसंद सिस्टम क्या था? गुरु अमरदास जी ने सिखिज्म को प्रमोट करने के लिए, जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनको पूरे देश में कहा फैल जाओ और प्रोपोगेट करो रिलीजन को, प्रोपोगेट करो गुरुओं की टीचिंग्स को, तो इसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन कैसे किया? होता बेसिकली क्या था, जब गुरु का दरबार लगता था तो उस समय प्रोफेशनल बार्ड्स
और बलवंश को बुलाया जाता था जो भजन वगैरह गाया करते थे, ठीक है, गुरु का दरबार लगता था, वहाँ पे भजन गाया करते थे। जैसे जगराता होता है, भजन गाने आते हैं ना, भजन गायक, वैसे भजन गायक आते थे। अब ये जो भजन गायक थे, इनको चढ़ गई मस्ती, ये कहते कि भैया गुरु जी की पॉपुलैरिटी तो हमारे गाने और हमारी परफॉर्मेंसेस की वजह से है, ठीक है, लेकिन गुरु जी कहते हैं ये तो हमारी टीचिंग को जो है कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो इनकी ईगो को कम करने के लिए गुरु जी ने क्या कहा कि ऐसा है भैया, जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो कॉन्ग्रीगेंट है, जो गुरु है, वो खुद से ही भजन गाए, ठीक है। इस तरह से इन्होंने मसान सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उसके अलावा एक नया प्रिंसिपल, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिस सिस्टम का नाम था दसवंत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कतई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब होता क्या है इसमें, इसमें ये बोला गया कि भैया जिसकी भी जितनी इनकम है, जो भी गुरु में मानने वाला है या जो सिखिज्म में मानने वाला है, जिसकी जितनी इनकम है उसका 10% जो है वो डोनेट करेगा गुरु लंगर के लिए, जो लंगर लगाया जाता था, और जो भी फिर गरीबों की मदद के लिए जो भी चंदा इकट्ठा करा जाता है, तो 10% अपनी इनकम का आपको जो है डोनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है महीने के, तो 10 रुपये जो है उसको डोनेट करने हैं। ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया टू स्ट्रेंथन, ठीक है। देखिए, फंड्स हर चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। आप ये मत समझिए कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए फंड नहीं चाहिए होते, या अच्छी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए फंड नहीं चाहिए होते, फंड चाहिए होते हैं। अब अगर मैं यूट्यूब पर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी फंड चाहिए, ठीक है, फंड चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए फंड चाहिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए फंड चाहिए, घर पे खाना मिले लोगों को इसके लिए फंड चाहिए, समझ रहे हो, तो हर चीज़ के लिए फंड चाहिए। तो सिमिलरली विद रिलीजन, लंगर आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, इक्वालिटी आएगी, कास्टिज्म कम होगा, सब लोग एक जगह पर मिल बैठ कर खाएंगे, पर वो लंगर में जो खाना बन रहा है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, बिना पैसे के खाना नहीं बन सकता, लंगर कैसे लगेगा। तो कोई भी चीज हो, यू नीड मनी फॉर दैट। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये अपना लालच के लिए इस मनी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो दसवंत सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ दसवंत सिस्टम कौन से सिख गुरु ने इंट्रोड्यूस किया, या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दसवंत सिस्टम में क्या था। ऑप्शन दे देंगे कि 10% डोनेशन ऑफ इनकम, 20%, 30% ऐसे दे देंगे, या स्टेटमेंट बेस दे देंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझ रहे हो। चलिए, उसके बाद अरेस्ट एंड डेथ। जैसे अब इसकी थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड स्टोरी समझ लो। अकबर के पोते का नाम था खुसरो, और अकबर का चहिता था वो, और अकबर के बेटे का नाम था सलीम, जो आगे चल करके जहांगीर बना। और सलीम और अकबर की इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, उल्टा अकबर जब रूल कर रहा था तो सलीम ने एक बार विद्रोह कर दिया था, और अकबरनामा जिसने लिखा अबू फजल, इनफैक्ट उसको भी मरवा दिया था सलीम ने। तो खुसराव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब अकबर की डेथ होगी तो वो राजा बनेंगे, पर जहांगीर खुद राजा बनना चाहते थे। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा सिस्टम सेट हुआ कि जहांगीर राजा बन गए। अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि जहांगीर राजा कैसे बने, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जहांगीर राजा बन गए तो खुसराव भाई साहब ने कर दिया विद्रोह, कह रहे मैं नहीं मानता, मैं बनूंगा राजा, दादाजी का चहिता मैं था। तो जहांगीर कहता बेटा तू तो राजा तो छोड़, तू अपनी गर्दन बचा ले, अब तो तेरे को मारेंगे। तो जहांगीर तो राजा था, मुगल राजा, अब खुसराव की उसके सामने क्या चलनी थी। तो खुसराव वहां से भग लिया। अब भगते भगते वो पहुंच गया पंजाब। अब जब वो पंजाब पहुंचा तो वो पहुंच गया गुरु अर्जन देव जी के पास तरन तरन में। अब गुरु अर्जन देव जी ने दे दी इसको शरण, ठीक है भाई आजा खा ले पी ले, बहुत देरों से भाग रहा है, आराम से बैठ। इंसानियत के नाते अब जहांगीर टुक इट एज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। अब अगर कलकत्ता में कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस से भागा हुआ कोई क्रिमिनल
भाग के जाए और यूपी पुलिस स्टेशन वाले कहते ले भाई पानी कोल्ड ड्रिंक पी, हम तेरे को शरणागत दे रहे हैं, तो स्टेट को तो गुस्सा आएगा। या इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी ने किसी को बोल दिया ये है क्रिमिनल, इसकी तलाश है हमें, और कोलकाता या वेस्ट बंगाल में दीदी कह दे कि नहीं ये तो हमारा मेहमान है, हम तो इसकी खातिरदारी करेंगे। क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, मोदी जी कहेंगे दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और स्टेट को निलंबित, सरकार को निलंबित कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहां पर। तो अब जहांगीर भी गुस्सा आ गया, कह रहा मैंने जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया हुआ है तुमने उसको शरण दे दी, तो गुरु अर्जन देव जी का अरेस्ट ऑर्डर कर दिया जहांगीर ने, उनको अरेस्ट करके ले आया गया लाहौर, और लाहौर में उनके ऊपर बेहद टॉर्चर किया गया, मतलब कतई टॉर्चर, गर्म पानी डाल दिया उबलता हुआ, धूप में छोड़ दिया घंटों के लिए, खाने को खाना ना देना, पीने को पानी ना देना, बहुत टॉर्चर उनको किया गया। और इतने सारे टॉर्चर के बाद एक दिन उन्हें अलाउ किया गया कि भैया रावी नदी बहती थी वहां पर, तो रावी नदी के किनारे उनको जाने की परमिशन दी गई कि जाओ आप एक स्नान ले आओ। तो वहां जहाँ पहुंचे वहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए गुरु जी को देखने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने रावी नदी में डुबकी लगाई उसके बाद वो वापिस नहीं, समझ रहे हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, रावी नदी पूछा जा सकता है कि ज्योति जोत कहाँ पर मिली गुरु अर्जन देव जी को, कौन सी नदी, रावी नदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको किंग का नाम पता होना चाहिए, उस समय में कौन थे, जहांगीर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि कौन से किसको शरणागत देने पे जो है ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, अब ब्रीफली फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। गुरु अर्जन देव जी को बर्थ हम देख चुके हैं गोइंदवाल साहिब में हुआ, फादर मदर गुरु रामदास जी एंड बीबी भानी, स्पाउस यानी कि वाइफ माता गंगा, सन हरगोबिंद जी हुए, एक ही बेटे थे इनके जो आगे चल करके सिक्स गुरु बनेंगे। गुरु गद्दी 1581 में मिली थी और 1600 तक ये रहे। क्या क्या कंप्लीट किया, अमृतसर टैंक का कंप्लीट किया, संतोखसर और रामसर सरोवर्स को भी इन्होंने कंप्लीशन किया। उसके अलावा हरमंदर साहिब की कंप्लीशन हुई। उसके अलावा अगर आप देखें सूफी सेंट जो थे, आपके मुस्लिम सूफी सेंट थे जो मियां मीनार, उनको बुलाया गया हरमिंदर साहिब के लिए। सिटी तरन तरन की फाउंडेशन रखी और न्यू करतारपुर, रोहेला विलेज वॉज रीबिल्ट और उसका नाम क्या रखा गया, हरगोबिंदपुर। दसवंत सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मुगल एम्परर इनके समय में पहले अकबर थे और उसके बाद अल्टीमेटली जहांगीर आ गए। सक्सेसर कौन थे इनके, जो छठे गुरु बने वो थे आपके गुरु हरगोबिंद जी। ज्योति जोत 1606 में लाहौर में, कौन सी नदी, नदी भी इंपॉर्टेंट है पूछी जा सकती है, रावी रिवर, ठीक है। और पहले सिख गुरु बने जिनको शहीद, जो शहीद हुए मार्टिर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि विच सिख गुरु वाज द फर्स्ट गुरु टू बी मार्टिर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इनको हमने जल्दी से भी देख लिया। चलिए तो अभी का लेक्चर इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है, कोई पहली बार चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ऑलराइट, सो हियर वी एंड आवर लेक्चर। आई होप आप सब अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों की तबीयत का भी ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट हैं, बाय बाय।